प्राणायाम तो आप करते हैं, पर आपको क्या पता है कि प्राणायाम करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है प्राणायाम करने के वक्त। पहले, प्राणायाम यथासंभव आसन करने के बाद करें। दूसरा, शीतली और शीतकारी के सिवाय प्राणायाम में श्वसन, जो आप श्वास का प्रक्रिया करते हैं वो नाक के द्वारा ही, नासिका द्वार से ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मुंह से श्वास लेते हैं। तीसरा, प्राणायाम करते समय चेहरे की मांसपेशियों, आंख, कान, गर्दन, कंधा, शरीर के किसी भी अन्य भाग में तनाव नहीं होना चाहिए। चौथा, प्राणायाम करते समय आंखों को बंद रखना चाहिए। और पांचवा, श्वास की रेशियो, जो आप शुरुआत करते हैं यदि प्राणायाम का, तो श्वास को भरते समय जो रेशियो है वो आपका 1 होना चाहिए, श्वास को छोड़ते समय रेशियो 2 होना चाहिए। इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि जब हम श्वास भर रहे हैं तो आपका पेट जो है वो उभर रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट भीतर जा रहा है। कई लोग ये उल्टा करते हैं। और रेशियो, अभी जो 1:2 बताया, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक साधक बन सकते हैं 1:3, 1:4। ओके, हरिओम, नमस्कार।